वेलकम टू एसएससी मेडी जी। एसएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी खबर है, और ख़ास करके उन विद्यार्थियों के लिए जो एसएससी एमटीएफ 2019 की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने निश्चय कर लिया है कि उनको एसएससी एमटीएफ 2019 के थ्रू कोई ना कोई पोस्ट चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि एसएससी ने कल एक नोटिफिकेशन निकाला था एसएससी एमटीएस से रिगार्डिंग, जिसके बारे में आपको ऑलरेडी पता चल चुका होगा। लेकिन कारण यह है कि प्रश्न यह है कि एसएससी ने ऐसा नोटिस निकाला क्यों है, और एसएससी ये जो बदलाव किया है एसएससी ने, उस बदलाव से एसएससी एमटीएस 2019 की कट ऑफ काफ़ी कम जाएगी। काफ़ी कम मतलब काफ़ी कम जाएगी, लास्ट टाइम जितनी हाई जाने के चांसेस नहीं है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि जैसा कि आपको नोटिफिकेशन में पता चल गया होगा कि एसएससी एमटीएस में नोटिस के अनुसार अब आपको एमटीएस की परीक्षा देने के लिए आपको साथ में फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड भी ले जाना होगा। आपका आईडी कार्ड के बिना आपको एंट्री नहीं मिलेगी, और आईडी कार्ड में एक्चुअली आईडी कार्ड ले जाना होता है, लेकिन उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन होनी चाहिए। अगर आपकी आईडी कार्ड में डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है, तो आपके आपके साथ कोई ऐसा प्रूफ ले जाना होगा जिसमें डेट ऑफ बर्थ आपकी मेंशन हो। और अगर आपके पास जो डेट ऑफ बर्थ का आईडी कार्ड है अगर वो, और जो आपके एडमिट कार्ड में आईडी कार्ड है जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में भरते टाइम भरा था, वो मिसमैच हो रही है, वो अलग अलग है, तो आपको एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री नहीं मिलेगी। अब इससे कट ऑफ पर क्या फ़र्क पड़ेगा? उसका कारण है कि आपको पता है कि जो एमटीएस एग्जामिनेशन देने की जो एज है वो सिर्फ 25 ईयर्स है, और एसएससी की पिछले 3 साल से कोई परीक्षाएं नहीं हुई हैं 2017 से। तो आप समझ सकते हैं 2016 में वैकेंसी आई थी, तो ऑलरेडी जो लोग ये एमटीएस की तैयारी कर रहे होंगे वो ओवर एज हो चुके होंगे, क्योंकि एसएससी ने कोई भी रिलैक्सेशन भी नहीं दिया है। अब इसमें पंगा क्या है कि आपको पता है कि एसएससी में क्या होता है कि, और किसी भी एग्जामिनेशन में ये होता है कि लोग एक्सपीरियंस के लिए फॉर्म ऐसे ही भर देते हैं। जो सीजीएल की तैयारी कर रहा है जिसकी एज लिमिट 32 साल है, वो बंदा भी फॉर्म भर देता है सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए या कुछ सीटें रोकने के लिए किस टाइप का पेपर आ रहा है। कुछ सीजीएल वाले सीपीओ का फॉर्म भर देते हैं, मतलब वो एज लिमिट क्रॉस कर चुके हैं फिर भी गलत इन्फॉर्मेशन डाल के फॉर्म भर देते हैं सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए। कुछ जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो सीडीएस की परीक्षा बार बार देते रहते हैं एड सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए कि उनको एग्जाम का पेपर पैटर्न पता चले और किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो पता चले। अब इससे क्या होगा, जितने भी बंदे जो सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, जो उनकी एज 25 से ऊपर हो चुकी है, जो लोग काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, और जो सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं काफ़ी लंबे समय से, वो लोग रेस से बाहर हो जाएंगे और वो एग्जामिनेशन हॉल में बैठ ही नहीं पाएंगे। अब अगर वो एग्जामिनेशन हॉल में बैठ ही नहीं पाएंगे, एग्जाम दे ही नहीं पाएंगे, तो इससे क्या होगी, जो कट ऑफ हाई जाती थी, जो प्री एग्जामिनेशन जो पहले कट ऑफ निकाली जाती है प्री एग्जामिनेशन की डिस्क्रिप्टिव के पहले, वो लो जाएगी। क्योंकि अभी तक होता क्या था कि ऐसे लोग जो लोग बहुत समय से तैयारी कर रहे हैं वो लोग हाई मार्क्स ला के कई बार होता था कि वो ज्वाइनिंग भी नहीं लेते हैं, और प्री में जो हाई मार्क होने के कारण, हाई कट ऑफ जाने के कारण, कोई एक ऐसा जेन्युइन बंदा जिसको सच में एमटीएस की जॉब की ज़रूरत है उसको जॉब मिल नहीं पाती थी। लेकिन अब ऐसा होगा नहीं, जितने भी 25 के ऊपर वाले एज के लोग हैं, जो लोग 4-5 साल से तैयारी कर रहे हैं और बार बार सिलेक्शन ले चुके हैं वो, और या तैयार सिलेक्शन नहीं भी हुआ है तैयारी कर रहे हैं, तो वो लोग इस एग्जामिनेशन को नहीं दे पाएंगे, जिससे कट ऑफ पर काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ेगा। तो ये उन लोगों के लिए अच्छा है जो लोग एसएससी एमटीएस को टारगेट कर रहे हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, इस बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।